देखिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी भी फैमिली के लिए गाड़ी लेना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, और हर कोई चाहता है कि जो ये इम्पोर्टेंट फेज है ना, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरा का पूरा मतलब परफेक्टली हमारे लिए ये कार खरीदने का जो एक्सपीरियंस है वो रहे। और उस कड़ी में कन्फ्यूजन जो है वो स्टार्टिंग से ही आ जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हम नेगोशिएट करते हैं कोई भी गाड़ी लेने के लिए, तो वो हमें बुकिंग कराने से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? क्योंकि जब भी हम शोरूम पर जाते हैं ना, अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, आप इसकी गाड़ी की बुकिंग करा दीजिए। बेशक वो एक हफ्ते में अवेलेबल होनी है गाड़ी, बेशक वो एक साल के बाद अवेलेबल होनी है, हर शोरूम पर यही बोला जाता है, आप कुछ पैसे देकर बुकिंग करा दीजिए। फिर हम उनको बोलते हैं, अच्छा इसकी प्राइसिंग क्या है? मोटा मोटा प्राइस जो है वो डॉक्यूमेंट्स पर, कागज पर आपको लिखकर बता देते हैं। और उसके बाद जब हम बोलते हैं डिस्काउंट कितना, तो कहते हैं सर एक बार गाड़ी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बैठकर कर लेंगे। तो ये हमें बहुत सारी जगह पर सुनने को मिलता है और वहां पर कंफ्यूजन बनी रहती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप नेगोशिएशन या फाइनल प्राइस बुकिंग से पहले कर लेते हैं तो उसमें क्या फायदा है, और अगर आप बुकिंग के बाद करते हैं तो उसमें आपको क्या फायदा हो सकता है? तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। देखिए, बुकिंग कराने से पहले अगर आप नेगोशिएशन कर लेते हैं या प्राइस फाइनल कर लेते हैं तो उसके फायदे ज्यादा रहते हैं। पहला फायदा क्या रहेगा, मान लेते हैं हमने कोई गाड़ी पसंद कर ली है, उस गाड़ी पर वेटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, मान लेते हैं एक ही महीने की है, ज्यादा तो नहीं है, एक महीने की वेटिंग है उस वेरियंट पर, उस गाड़ी पर हमें वो दे रहे हैं। हमने बुकिंग कराई, उन्होंने बोला ठीक है जब हमें गाड़ी आ जाएगी उसके बाद हम इस पर नेगोशिएशन कर लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा, बेटर जो भी रहेगा हम आपको वो डील दे देंगे। उसके बाद हमने वो गाड़ी वहां पर बुक करा दी, अपनी बुकिंग अमाउंट दे दी और छोड़ दी। अब एक महीने के बाद वो गाड़ी आई है, हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, अब हम उनके साथ डील करने के लिए बैठे हैं और मान लेते हैं वो डील नहीं बनी है। मोस्ट ऑफ द केस में नहीं ही बनेगी, क्योंकि वो आपको अच्छा डिस्काउंट नहीं देंगे, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी बात करेंगे। तो उन्होंने आपको कोई डील नहीं दी है, अच्छी डील नहीं दी है, अब आप उस डील को छोड़ना चाह रहे हैं, आपने वो डील छोड़ दी है, आपकी बुकिंग अमाउंट आपको वापस मिल गई है, अब आप दोबारा से कहीं पर बुकिंग कराएंगे, मान लेते हैं अब आप पहले उसको जो है नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक महीना था वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, अब आप दूसरी जगह पर जाएंगे वहां फिर से बुकिंग कराएंगे, वहां पर फिर से आपको एक महीना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सब से बचने के लिए ना हम क्या करते हैं यार, इतना टाइम इंतजार कर लिया, क्या 10-5 हजार रुपए के लिए रोना, चलो कोई बात नहीं यार आप दे दो, ठीक है। हमारी मेंटेलिटी इसी तरीके की होती है और वो यही चाहते हैं, वो लोग चाहते ही ऐसा है कि आप बुकिंग से पहले नेगोशिएट ना करें, आप उसके लिए इंतजार कर लें, बेसब्र हो जाएं, और उसके बाद जब आपकी गाड़ी आ चुकी है आप गाड़ी को देख लेंगे, उसके बाद आपको कम से कम डिस्काउंट में वो गाड़ी दे दी जाए। तो आपको ये चीज से बचने के लिए, उनकी इस चालाकी से बचने के लिए, बुकिंग से पहले ही जो भी आपका फाइनल प्राइस हो सकता है वो आपको ले लेना है कि नहीं आप मेरे को अभी बताओ ऑन पेपर, इसके बाद जब मैं गाड़ी लेने के लिए आऊंगा, जब मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं आपसे एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं मांगूंगा, जो पैसा आज फाइनल हो जाएगा वो पैसा मैं आपको दे दूंगा। इस तरीके से आपको अपना जो भी डिस्काउंट है, जो भी नेगोशिएशन है वो करनी है। फिर दूसरा एक और क्या हो सकता है, मैंने बुकिंग अमाउंट की बात की, हर कोई बुकिंग अमाउंट आज के टाइम पर ले रहा है, और वहां पर भी काफी सारे लोग जो है एक बार बुकिंग अमाउंट दे देते हैं ना, और अगर नेगोशिएट नहीं करते हैं तो काफी बड़ी दिक्कत हमें फिर फेस करनी पड़ सकती है। मान लेते हैं हमने बुकिंग अमाउंट दे दी है, 11,000 रुपए ही दे दिए हैं, अब क्या करते हैं, एक महीना डेढ़ महीना हो गया है, अब गाड़ी आ गई है, उसके बाद हमारी डील नहीं बनी अगर हमने पहले उनसे नेगोशिएट नहीं किया है तो, और हमने अब वो गाड़ी जो है कैंसिल भी करा दी है। अब जब हम उनसे बुकिंग अमाउंट के लिए बोलते हैं हमारे 11,000 रुपए थे उसका क्या रहा, तो काफी सारे शोरूम, देखिए कंपनीज की तरफ से ऑनलाइन अगर हम बुकिंग कराते हैं वहां पर कोई भी पैसा नहीं कटता है, लेकिन काफी सारे शोरूम जो है वो हैंडलिंग चार्ज के नाम पर कुछ ना कुछ पैसे काट लेते हैं, 500 रुपए भी हो सकते हैं, 1,000 रुपए भी हो सकते हैं, 2,100 रुपए भी हो सकते हैं, हर शोरूम का अलग अलग सिस्टम है, और वो बोल देते हैं आपने गाड़ी बुक कराई थी, वहां से गाड़ी आई है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे हैं, अब आप कैंसिल करा रहे हैं, हमने तो आपको पहले ही लिख कर दे दिया था कि ये प्राइस है, उस टाइम यही फाइनल हुआ था, क्योंकि नेगोशिएट हमने किया था या नहीं किया था वो हम प्रूव तो कर नहीं सकते हैं, तो अब हमको इसमें से कुछ ना कुछ पैसा काटना पड़ेगा, और पैसा काटने के बावजूद भी आपको तुरंत पैसा कभी रिफंड नहीं मिलता है। 11,000 रुपए हम छोटी अमाउंट मान सकते हैं, बहुत सारे शोरूम जो है 51,000 रुपीज भी किसी किसी कस्टमर से ले लेते हैं, उस केस में फिर ये रहता है यार हमारे पैसे अब यहाँ अटके खड़े रहेंगे, कुछ पैसे ये जो है हमारे काट लेंगे तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो लेनी ही है,
अब फंस गए तो चलो ले लेते हैं, तो बुकिंग अमाउंट इसलिए भी ली जा सकती है। और वहां पर भी हमें काफी बार ये लगता है यार चलो कोई बात नहीं, अब दे दिए बुकिंग अमाउंट, कब पैसे आएंगे, कब ये होगा वो होगा, तो उससे परेशान होकर भी हम फिर गाड़ी ले लेते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए भी ना आपको पहले बुकिंग से पहले ही अगर आप फाइनल कर लेंगे, आपकी डील नहीं बनी तो आप छोड़ दीजिए, हम कहीं और जाकर देख लेंगे, और बुकिंग अमाउंट के चक्कर में फंसना, तो वो आप कर सकते हैं। फिर एक और चीज है जो आजकल देखने को कम मिलती है लेकिन आप इसको एक बार अप्रोच कर देख सकते हैं, प्राइस प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं। किसी गाड़ी पर हो सकता है थोड़ी वेटिंग ज्यादा है 2 या 3 महीने की, या हो सकता है 1 हफ्ते की ही उसके ऊपर वेटिंग है, आपने बुकिंग अमाउंट दी, प्राइस फाइनल करा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे ही उस गाड़ी के जो है प्राइस बढ़ गए हैं, 10,000 रुपए 11,000 रुपए जो है कंपनी की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। तो उस केस में जब भी हम स्टार्टिंग में ही बुकिंग से पहले जो भी प्राइस हम ले रहे हैं वो हमें प्राइस प्रोटेक्शन के तहत लेना है, उस शोरूम को बोल देना है आप यहाँ जो इनका अपना लेटर एड है उस पर मुझे लिख कर दे सकते हैं। बहुत कम केस में ऐसा होता है, बहुत कम लोग मानते हैं कि हमें आप अपने लेटर एड पर दो, जो वो लिख कर दे देते हैं वही मान लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझदारी से चलेंगे, ऐसा करके चलेंगे कि आप मुझे इस पर लिख कर दीजिए, कल को अगर इसका प्राइस बढ़ गया या नहीं बढ़ गया उस केस में हम क्या करेंगे, प्राइस हमें बढ़ा हुआ देना पड़ेगा, प्राइस हमें यही वाला देना पड़ेगा, वहां पर जो क्लियर मेंशन होना है वो आप क्लियर मेंशन करा कर चलिए। और साथ में ये भी बोलिए अगर प्राइस बढ़ जाता है, मुझे बढ़ा हुआ प्राइस देना है तो डिस्काउंट तो मुझे यही मिलेगा ना, डिस्काउंट के ऊपर मैं कोई कटौती नहीं करूंगा। चलिए प्राइस अगर बढ़ गया है तो ठीक है वो चलता है, मैं दे दूंगा वो, लेकिन डिस्काउंट मैं ये रखूंगा। वो सब चीजें हम बुकिंग से पहले अगर करेंगे तो ही पॉसिबल है, बुकिंग होने के बाद आपकी गाड़ी आ गई है उसके बाद ये सब चीजें नहीं होती हैं। फिर एक और फायदा आपको क्या हो सकता है, अगर बुकिंग से पहले ही नेगोशिएट करते हैं, आपको जो भी प्राइस मिलना है वो आपका फाइनल हो गया है, आपने बिल्कुल सब कुछ निचोड़ लिया है, जो भी गाड़ी में प्राइस होना था, जो भी इंश्योरेंस में होना था, कुछ भी होना था, अपने फाइनल प्राइस ले लिया, अब आप उनको बोल सकते हैं मैं शाम तक जो है इसकी बुकिंग करा दूंगा। वो प्राइस लेकर आप किसी दूसरे शोरूम पर, दूसरे डीलरशिप पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी सेम केस में कंसिडर आप कर सकते हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं, उनको बोल भी सकते हैं, इवन उनको दिखा भी सकते हैं कि देखिए मुझे ये प्राइस मिल रहा है, इसमें आज शाम को मैं बुकिंग कराने जा रहा हूँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 दिन के बाद वो मुझे गाड़ी दे देंगे, अगर आप इससे कम दे सकते हैं तो मैं आपके पास बुकिंग कराऊं, अगर आप इससे कम नहीं दे सकते हैं तो फिर मैं उनके पास कराऊं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप बाद के लिए नहीं रुके हैं, अब आपके पास 2 जगह ऑप्शन, आप वहां भी बुक करा सकते हैं, वहां भी करा सकते हैं, मतलब गाड़ी बुक कराने से पहले ही, कहीं पर बुकिंग अमाउंट देने से पहले ही आपके पास फाइनल प्राइस रहेगा, कंपेयर आप कर सकते हैं, बाद में कंपेरिजन का मौका नहीं मिलेगा, बाद में कंपेयर करेंगे तो फिर आपको एक जगह से कैंसिल कराकर दूसरी जगह दोबारा बुकिंग करानी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, वो चीज आपको दिक्कत दे सकती है। ये था बुकिंग से पहले के क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप नेगोशिएट करते हैं। एक केस में आप अगर बाद में नेगोशिएट करते हैं ना तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है, ये उन गाड़ियों में हो सकता है जो ज्यादा वेटिंग वाली है, ज्यादा फेमस है, जिन पर डिस्काउंट लगभग अवेलेबल ही नहीं है या फिर उन पर ना के बराबर है। उस केस में अगर आप बुकिंग से पहले नेगोशिएट करते हैं या बाद में नेगोशिएट करते हैं, आपको कोई डिस्काउंट मिलना ही नहीं है क्योंकि उन पर वेटिंग 1-1 साल की है, 6-6 महीने की है, तो उन पर आप पहले नेगोशिएट मत कीजिए, आप बुकिंग करा दीजिए 5,000-7,000 रुपए से 11,000 रुपए से। उसके बाद जब आपकी गाड़ी आ गई, मान लेते 6 महीने बाद आपकी गाड़ी आ गई, 7 महीने के बाद आपकी गाड़ी आ गई, आपको पता है आपको गाड़ी यही लेनी है, उस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलना है, तो पहले नेगोशिएट कर डील कैंसिल क्यों करनी, या उनको पहले ही क्यों मौका देना कि हमने आपको पहले ही बता दिया था बुकिंग से पहले ही कि इस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो केस आप छोड़ दीजिए, आपने बुकिंग कराई, जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी आ गई है, फोन आ गया कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, तब आप उनके पास जाइए कि यार इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप करा दीजिए ना, मना तो ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं 5,000-7,000 या 1 टैंक फुल ही करा कर दे दो, मेरे पास सिर्फ यही बजट है, थोड़ा सा 4-5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ रहा है, 10,000 रुपए का पड़ रहा है यार, मुझे बुकिंग कैंसिल करानी पड़ जाएगी, क्या फायदा आपको दूसरा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, इतना तो आप कर ही सकते हो, या इंश्योरेंस में थोड़ा कर दीजिए। अब देखिए जब आप बुकिंग कराने के लिए गए हैं ना, उस टाइम पर उनके पास बहुत सारे कस्टमर है, हर कोई बुकिंग करा रहा है, वहां पर उनका एटीट्यूड अलग होता है। अब गाड़ी आ चुकी है, कस्टमर लेने के लिए तैयार बैठा है, थोड़ा सा डिस्काउंट मांग रहा है, चांस कम है लेकिन मूड की बात है, उस टाइम हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल भी जाए और हो सकता है डिस्काउंट ना मिले, 99% या 95% तो मिलना ही नहीं है, लेकिन हम चांस ले रहे हैं गाड़ी आने के बाद, डील होने के बाद जब हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो केस अलग ही होता है, वहां पर चांस बन सकते हैं कि आपको डिस्काउंट मिल भी जाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर थे इस गाड़ी के लिए। तो इस केस में आप बाद में भी जो है नेगोशिएशन के लिए अपना
टाइम बचा सकते हैं। तो यही चीजें थी, इन केस में आप पहले या बाद में करा सकते हैं, आपको फायदा उसी हिसाब से रहेगा। बाकी फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।